जैन दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे, तो याद होगा आपको मैंने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट दे चुके हैं और उस पर तीन न्यूमेरिकल का वीडियो मैं ले चुका हूं, है ना। तो आज मैं उसके आगे न्यूमेरिकल लूँगा, ये मेरा फोर्थ वीडियो होगा न्यूमेरिकल का। तो पिछले अभी तक के वीडियो जितने भी हुए हैं सब में हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला। अब हमें सर्किट पे सीरीज और पैरेलल लगा करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के साथ साथ करंट भी निकालना है, वोल्टेज भी निकालना है, बहुत कुछ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए उसे देखें। पहला क्वेश्चन है, आपको एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट आप देख के समझ सकते हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। ये दोनों क्या है बाबू लोग, तो पैरेलल है ना। जब भी सर्किट पे क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा इजी टाइप में रहेगा। ये दोनों कैसा कनेक्शन है, पैरेलल, और ये कैसा उसके साथ, सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है टोटल रेसिस्टेंस निकालो। टोटल रेसिस्टेंस शायद तुम लोग तो जानते ही हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने को कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए। और ऐसे भी क्वेश्चन नंबर हमेशा याद रखो, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया करो सबसे पहले। तो चलिए हम लोग टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चे ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल। तो आप लोग क्या करेंगे, R2 and R3 आर इन पैरेलल कनेक्शन में। एक में दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं और इतना इजी है कि सीरीज और पैरेलल को सॉल्व अप कर लेते हो। तो ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल। पैरेलल कैसे सॉल्व होता है बच्चे लोग, याद कीजिए। तो पैरेलल सॉल्व करने का तरीका है पलट करके। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ कितना हो गया, 1/12 प्लस 1/12। आप इसे सॉल्व खुद से करो, कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 1/6। और यहाँ से आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। तो ये सर्किट कैसे ब्रेक हो गया बाबू, ध्यान से देखो। ये दोनों पहले पैरेलल था, उससे बनेगा कोई एक। तो देखिए आपका सर्किट अब कैसा हो गया। सर्किट हमेशा ब्रेक करने सीखो, जितना सर्किट आप अच्छे से ब्रेक करोगे याद रखना आगे का क्वेश्चन आप उतना ही इजी से सॉल्व कर पाओगे। तो हमने ये सर्किट को ब्रेक कर दिया, वो जो पैरेलल कनेक्शन था उससे बना कोई एक। तो आपने देखा उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे RP इज इक्वल टू 6 ओम, और ये कितना था, R1 इज इक्वल टू 6 ओम। अब बच्चे बताओ, अब ये दोनों कैसा कनेक्शन है, तो अब ये दोनों सीरीज कनेक्शन है। तो लिखिए R1 and RP are in सीरीज कनेक्शन। अब ये दोनों कैसा कनेक्शन है बच्चे, सीरीज कनेक्शन। तो याद कीजिए सीरीज कनेक्शन को कैसे सॉल्व करते थे, डायरेक्ट जोड़कर। तो RS इज इक्वल टू R1 plus RP, R1 की वैल्यू 6, RP की वैल्यू 6, मतलब RS आ गया 12 ओम। यानी क्या सीखे, इन दोनों को भी हटा के जो एक अकेला रेसिस्टर काम में आएगा या काम कर रहा है वो कितने का है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो मेरा कितने ओम का है, 12 ओम का है। तो सबसे पहले ये जो मैंने अभी बताया शायद आप लोग मेरे से पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट में आपको यही सॉल्व करना था, टोटल रेसिस्टेंस निकालो, ओके। अब आपको सेकेंड में क्या निकालना, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एक बात देखो याद रखना, हम लोगों को इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है इसका अलग, क्योंकि आपको पता है ये सीरीज में है ये वाला, तो यहाँ से करंट निकलेगा तो यहाँ भी उतना ही जाएगा, लेकिन आगे जाके बंट जाएगा करंट। तो आपसे पूछ सकता है R1 में कितना करंट होगा, R2 में कितना करंट होगा, R3 में कितना करंट होगा, यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के आप पूछेगा। फिर वोल्टेज पूछेगा इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। तो सुनिए, जब सर्किट बोल दे, सर्किट मतलब समझ लो बैटरी से पूछ रहा है, मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसका मतलब है बैटरी से कितना करंट निकल रहा, यानी कि तुम लोग किस स्टेप पे जा करके सर्किट का काम करना। जब तुम्हारा देखो, जैसे देखो
ये क्या निकालना, टोटल करंट। तो तुम लोग खुद सोचो, टोटल करंट तब निकालना जब तुम्हारा क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। मतलब टोटल करंट यहाँ से मत निकालो, यहाँ से मत निकालो, यहाँ से निकालना। हमेशा याद रखना, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस वाले स्टेप से निकलेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पार्ट को इसको सॉल्व करें। बहुत ईजी है बच्चे लोग। तो बी पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना, टोटल करंट। करंट का फॉर्मूला पढ़े हो ओम्स लॉ से, अब ये सब चीज़ नहीं बोलना, नहीं पढ़े हैं, वीडियो में बता चुके थे। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। बताओ बच्चे, टोटल करंट यहाँ से निकालोगे, यहाँ से कि यहाँ से? तो जब टोटल करंट निकाल रहे तो टोटल रेजिस्टेंस वाले स्टेप से निकालेंगे। तो बोलिए वहाँ पर वोल्टेज कितना है, 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 12 ओम। मतलब 6 बाई 12 कितना हो गया, 1 बाई 2 एम्पियर, डैट इज 0.5 एम्पियर। इज डैट क्लियर? अब आपको सेकेंड में, थर्ड नंबर में क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो अब कहता है R1 वाले रेसिस्टेंस पर जाइए, वहाँ पर उंगली रखिए, जहाँ का निकालने बोलेगा वहाँ उंगली रख देना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो R1 वाले पे जाइए, यहाँ उंगली रख दीजिए। अब बताइए यहाँ का, अगर हमें सी नंबर बना रहे हैं, अगर हमें वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बच्चे, यहाँ का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का पहले बताओ बच्चे फॉर्मूला क्या होता था। तो भी इज इक्वल टू आई इंटू आर। याद रखना, हम लोग सी नंबर बना रहे हैं क्वेश्चन, यानी हमें का क्या करना है, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पहले R1 पे उंगली रख देना ऐसे करके, और फॉर्मूला बोलो क्या चाहिए, I और R, मतलब करंट और रेजिस्टेंस। तो बताओ बच्चे R1 में कितना करंट जा रहा, तो जितना करंट इस बैटरी से, इस सर्किट से निकल रहा होगा, उतना ही करंट R1 में जा रहा। मतलब R1 में कितना करंट जा रहा बच्चे लोग, जितना आप लोग लाए थे, डैट इज 1/2 इनटू R1 का रेजिस्टेंस बता दो कितना है। तो R1 का रेजिस्टेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चे 6 ओम। इसे कट कर लीजिए 3 टाइम्स में, तो 3, और पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए वोल्ट में आंसर आएगा। अब क्या पूछा बच्चे लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड R3। अब हमें R2 और R3 का वोल्टेज चाहिए। कहाँ का वोल्टेज चाहिए, R2 और R3। तो सबसे पहले बच्चे लोग, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जहाँ का मांगे उंगली रख दो। तो बाबू R2 और R3 देखो तो कहाँ पर है हमारे पास, ए देखिए R2 और R3। अब बताओ ये दोनों किस कनेक्शन में हैं, पैरेलल। तो जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें याद होगा, पैरेलल कनेक्शन में दोनों का वोल्टेज सेम होता है। मतलब जो R2 का होगा वही R3 का होगा, और वही इन दोनों को मिला करके जो एक बना है उसका होगा। मतलब हमें R2 भी निकालना, R3 भी निकालना, लेकिन जैसे ही उंगली रखे तो पता चला दोनों तो पैरेलल है, मतलब दोनों का वोल्टेज सेम है। तो क्यों यहाँ मत निकालो, डायरेक्ट आप आकर के यहां निकाल लो, क्योंकि इन दोनों के ही तो बदले में ये RP आया था। यानी हम यहां का वोल्टेज निकालेंगे तो यहां का भी वोल्टेज निकल जाएगा। तो जहां का निकालना है उंगली रख दो, रख दिए उंगली बच्चे RP पे, उंगली रख दिए। अब बताइए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। बताओ RP में कितना करंट जा रहा, जितना करंट इस सर्किट से निकल रहा होगा। तो कितना करंट निकल रहा बच्चे लोग, 0.5 एम्पियर इनटू RP कितना है वो देखो। तो RP हो गया मेरा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर छः ओम, तो यहाँ पर कट के ये भी हो गया 3 वोल्ट। और जब RP से आया 3 वोल्ट का वोल्टेज, तो RP के अंदर देखो दोनों पैरेलल है, मतलब R2 का भी 3 वोल्ट और R3 का भी 3 वोल्ट। इसी टाइप के सवाल आपको अब मिलेंगे, आपको करंट भी निकालना होगा और वोल्टेज भी निकालना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल। अब फिर देख सकते हो ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल, और उसके साथ ये कैसा
कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है ना। तो सबसे पहले आप बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए बी नंबर में क्या लिखा हुआ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बच्चे ये दोनों किस कनेक्शन में, पैरेलल। तो लिख दीजिए अच्छा से किस कनेक्शन में है, तो आर वन एंड आर टू आर इन। इस बार सीरीज और पैरेलल पहचानना इजी होगा, बट उसके आगे वोल्टेज और करंट का मेन खेल होगा आपका सर्किट पे, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन, अब बताओ पैरेलल कनेक्शन कैसे निकालोगे। वन बाय आर पी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सॉल्व करते रहिए, वन बाय सिक्स प्लस वन बाय थ्री, मैं अब डायरेक्ट बताऊँगा कितना आएगा, थ्री बाई सिक्स आ जाएगा। थ्री बाई सिक्स काट करके वन बाई टू, क्योंकि देखो इतने बार बता चुके हैं, आप लोग इसे खुद से सॉल्व करो, ये सब छोटी छोटी चीज़ अब नहीं बताना चाहिए हमेशा, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कितना आर, इसको पलट दो तो आर पी की वैल्यू आ गई 2 ओम। सर्किट को ब्रेक कीजिए, सर्किट को ब्रेक कीजिए। तो सर्किट में यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी, है ना, यहाँ सर्किट को ब्रेक कीजिए, यहाँ पर लगा हुआ है सारा में बैटरी। ये एक्स वगैरह क्या है तो अभी बताया जाएगा। इन ये दोनों कौन कनेक्शन था, पैरेलल, तो इससे बन गया कोई एक। और फिर बेचारा अलग में कौन बैठा हुआ था, आर थ्री। तो इसलिए बताइए ये जो एक बना इसका कितनी वैल्यू आई, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 ओम, और वो जो आर थ्री है इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी है 2 ओम। इज डेट क्लियर बच्चे। तो अब क्या करना है आपको वो देखिए। अब बताओ ये दोनों कैसा कनेक्शन है, तो लिखिए साइड में आर पी एंड आर थ्री। शायद ये सब करने बहुत इजी लग रहा होगा, किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन। अगर नहीं लग रहा तो अगेन आप पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो और तीन न्यूमेरिकल का वीडियो कीजिए। तो आर पी और आर थ्री किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए इसके बदले भी कोई एक, तो कितना का हो जाएगा, आर पी प्लस आर थ्री डैट इज़ 2 + 2 इक्वल टू 4 ओम। यानी हमारा जो सर्किट ब्रेक हो करके सबसे लास्ट स्टेप में जो भी मिलेगा वो बाबू कितने का होगा, तो वो कितने ओम का होगा बच्चे लोग, 4 ओम का होगा। और यही है वो कौन, सबके बदले कोई एक, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना रहता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ये जनरली हर क्वेश्चन में निकालना ही रहता है। अब आपसे मांगा है, बी पार्ट खत्म हो गया, अब आप सोच रहे होगे ये एक्स वाई जेड क्या है। तो बच्चे ये एक्स वाई जेड क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है अमीटर है, अमीटर, ठीक है। तो आपसे मांगा रीडिंग इन अमीटर एक्स एंड जेड, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन को समझो, अमीटर क्या रीड करता है, करंट। यानी हमें एक्स में करंट निकालना है और हमें जेड में करंट निकालना है, एक्स में और जेड में। बस आराम से देखो, बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है। तो हमें एक्स में करंट निकालना और जेड में। अब हम क्वेश्चन नंबर ए में आ गए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले किसी भी जगह का अगर आपको करंट चाहिएगा तो सबसे पहले आप उंगली रखिए, जैसे मान लो हम जेड का निकाल रहे हैं, ठीक है, रीडिंग ऑफ अमीटर जेड निकाल रहे हैं, ध्यान देते रहना, रीडिंग ऑफ अमीटर जेड निकाला जा रहा है, ठीक है ना बच्चे, रीडिंग ऑफ अमीटर जेड का निकाल रहे हैं। तो जेड का रीडिंग निकाल रहे हैं मतलब कि कुल मिला के करंट निकाल रहे हैं। तो उंगली रख दो यहाँ पे। अब बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, उंगली रखो, वी बाई आर। तो देखो यहाँ पे आर तो पता है बट यहाँ का वोल्टेज नहीं पता है। मन में सोचो यहाँ का वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा ये दोनों कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। यानी अगर ऊपर का वोल्टेज मिल जाएगा तो नीचे का भी वोल्टेज हो जाएगा। यानी इसका करंट में आपका फॉर्मूला है वी आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज के लिए आपको यहाँ से फाइंड करना होगा। तो चलिए हम निकालते हैं वोल्टेज यहां पर का। सबसे पहले याद रखना जरूरत, देख रहे हो ना कैसे कैसे पड़ता है। अगर हमें रीडिंग निकालना है जेड अमीटर का तो हमें वोल्टेज चाहिए, इस जगह का वोल्टेज चाहिए, तो लिख दीजिए V2, और रेजिस्टेंस भी उसी जगह का चाहिए, लिख दीजिए R2। R2 है 3 ओम लेकिन V2 नहीं पता, तो आइए साइड में हम V2 निकालें, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आप ऊपर जाइए, यहाँ का आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। चलिए देखते रहिए वोल्टेज कैसा निकलेगा बाबू। वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, देखते रहो आई इंटू आर। तो बोलिए बच्चे आई का कितना वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, 0.5। आर वन का वैल्यू 6 ओम, कुल मिलाकर के 3 वोल्ट। और चूंकि ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल, इसीलिए वी वन का वोल्टेज और वी टू का वोल्टेज दोनों आपस में सेम होगा। तो बच्चे अब यहाँ पुट कर दो, वी टू के घर में हो जाएगा 3, आर टू के भी घर में हो जाएगा 3, 3 × 3 = 9 एम्पियर। दिस इज द रीडिंग ऑफ अमीटर जेड, 9 एम्पियर, और ऊपर कितना दिया था, 0.5 एम्पियर। और एक लास्ट निकालना है शायद आपको, ये देखिए रीडिंग इन अमीटर एक्स, एक्स को भी निकालो। देखो ये तो बहुत इजी है निकालना, ऐसे बहुत तरीके से निकाल सकते हो बट इजी लगाओ। ये जो एक्स में करंट आ रहा, यही करंट ना बच्चे दो भाग में बटा होगा, एक जो है आई वन बन करके वाई में चला गया, एक जो है आई टू बन करके जेड में चला गया। यानी कुल मिलाकर के एक्स का जो करंट है, दिस इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो सबसे लास्ट में निकालो रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर एक्स, एक्स में जो भी करंट होगा वो आगे जाके दोनों में बटा है, मतलब आई वन आई टू को जोड़ दो तो एक्स का रीडिंग निकल जाएगा। तो करंट इन एक्स इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, डैट इज इक्वल टू 0.5 + 9, यानी आ जाएगा 9.5 एम्पियर। हाँ बच्चे लोग, करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, भल बाई मिस्टेक यहाँ लिखा गया, क्या होता है करंट का फॉर्मूला, वी बाई आर, यहाँ बाई का साइन होगा है ना, तो जब यहाँ बाई का साइन होगा मतलब 3/3, और ये कट के कितना आएगा, 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर। और तब जा करके लास्ट में जो रीडिंग होगा आई वन प्लस आई टू, तो यहाँ पर होगा 1 एम्पियर, यानी कुल मिला के आंसर कितना होगा, 1.5। थोड़ी सी मिस्टेक थी, हल्का सा करेक्शन कर लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या, आइए देखिए। सबसे पहले एक सर्किट को समझो, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ पर दो है, सभी को समझ में आ रहा है, ये पैरेलल है, उसके साथ ये सीरीज है, K1 स्विच है और K2 दूसरा स्विच है, और ये क्या है, अमीटर। अमीटर क्या रीडिंग करेगा, करंट को। चलिए तो क्वेश्चन बोला फाइंड द रीडिंग इन अमीटर, यानी हमको इसका अमीटर का रीडिंग निकालना, मतलब समझ गए करंट निकालना, लेकिन दो केसेस में। तो सबसे पहले आइए केस नंबर 1, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, K1 स्विच को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए यानी स्विच ऑन कीजिए, और K2 को ओपन कीजिए मतलब ऑफ कर दीजिए। तो बच्चे उस वक्त पता एक्चुअली क्या होने वाला है, जैसे ही करंट यहाँ से निकलेगा इस वाले में R1 में जाएगा, लेकिन अब ये करंट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वो स्विच ऑफ है, तो यहाँ से करंट नीचे वाले में आएगा और वापस आ जाएगा। मतलब जब आप K1 को ऑन रखिएगा, K2 को ऑफ, तो आपका सर्किट कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, R1 में करंट जाएगा और ये R2 R3 दोनों में नहीं जाएगा, इसलिए सिर्फ हम बोलेंगे किस में करंट गया, R3 में गया है कि नहीं, तुम लोग खुद सोच सकते हो, मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। आपका जब R2 वाला स्विच ऑफ है तो करंट R1 से होते हुए कहाँ जाएगा, R3 में, मतलब R1 R3 एक ही तार पे काम करेगा, डैट मीन्स दोनों कौन सा कनेक्शन बन जाएगा, सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। तो R1 की वैल्यू यहाँ हो गई 6 ओम, R3 की भी वैल्यू हो गई 6 ओम, और बीच में क्या लगाए हुए हैं, स्विच, जो स्विच हम क्या करके रखे हैं, ऑन। तो हमें निकालना अमीटर का रीडिंग, तो अमीटर यहां पर लगा है, ये सर्किट का करंट बताएगा, फॉर्मूला V/R। तो आओ पहला क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो जब सिर्फ K1 को क्लोज रखेंगे तो ये दोनों कौन सी कनेक्शन हो जाएगी बच्चे, सीरीज कनेक्शन। तो लिख दीजिए, आप अच्छे से लिख सकते हैं साइड में, R1 एंड R3
आर इन कौन सी कनेक्शन में हो जाएगी बच्चे, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री डैट इज 12 ओम। इज डैट क्लियर? तो अब इसका और आप सर्किट ब्रेक कर सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से, उन दोनों के बदले आ जाएगा कोई एक। वोल्टेज कितना का लगा हुआ बैटरी में, 6 वोल्ट, और ये कितना का आया बच्चे लोग, 12 ओम। मीटर कहाँ लगा है, यहाँ पर, ये सर्किट का करंट मेजर करेगा। और सर्किट का करंट हमेशा कब निकालना है, जब सबसे लास्ट रेसिस्टेंस पर काम होगा। तो बताओ बच्चे यहाँ से क्या निकालना, मीटर का रीडिंग क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है V बाई R डैट इज 6/12 डैट इज 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं, वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला K1 K2 दोनों क्लोज रखेंगे, मतलब K1 को भी स्विच दे देंगे और K2 में भी स्विच देंगे, मतलब समझे, करंट ऐसे आएगा ऐसे जाएगा फिर दोनों में जाएगा, यानी तीनों काम कर रहा है। तो जब तीनों काम कर रहा बाबू, तो ये दोनों फिर से वापस पुराने जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो R2 एंड R3 कौन से कनेक्शन में होगा, चूँकि करंट ऐसे आ करके अब ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, तो दोनों भी काम करने लगा ना, तो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कनेक्शन, उससे बनेगा कोई एक। तो 1/RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, यहां से वैल्यू आ गई 3 ओम की। चलो सर्किट ब्रेक करो बच्चे। तो सबसे पहले यहां पर R1 रहेगा और इन दोनों के बदले कोई एक रहेगा, है ना, इन दोनों के बदले कोई एक रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इजी। इस बार आपको सीरीज और पैरेलल पहचानने में प्रॉब्लम नहीं है, आगे लेकिन नया नया चीज सीखना है जो हमको करंट और वोल्टेज निकालने को कह रहा है। तो बच्चे इन दोनों से बन गया एक, पैरेलल कनेक्शन से एक, और अब ये दोनों कौन से कनेक्शन में है, सीरीज में है। तो आप लोग खुद से लिख लो यार, मैं डायरेक्ट सर्किट ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो सर्किट ब्रेक करोगे, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यानी कुल मिला करके क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर ये वाली 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ अमीटर लगा है, और ये वाला आ जाएगा 9 ओम का। एंड लास्ट स्टेप मेरे प्यारे बच्चे, करंट का फॉर्मूला तुम लोग सब जानते हो, V/R डैट इज 6/9 डैट इज कितना हो जाएगा, 2/3, 0.66 समथिंग आएगा, वो आप पॉइंट में ले आइएगा, ठीक है, एम्पियर। तो ये हो गया बाबू लोग, तो देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चे, ये समझ लो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाए मतलब समझो कुछ नहीं बनाया आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चलिए आप लोग को भी मौका दे। सबसे पहले क्या निकालने बोला गया, टोटल रेजिस्टेंस। तो बाबू अब लिखने का काम तुम करो, R2 R3 इन पैरेलल, मैं डायरेक्ट सोचता हूँ मैं सॉल्व ही कर लूँ, ठीक है ना जी, डायरेक्ट सर्किट ब्रेक करके सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे लगता आता है। सबसे पहले R2 R3 किस कनेक्शन में बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में, है ना। तो आइए सर्किट को ब्रेक करते हैं, सर्किट को आइए चलिए मेरे साथ ब्रेक करिए। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इससे बनेगा कोई एक, है ना बच्चे लोग, इससे बनेगा कोई एक। तो वो कितना का होगा जी, चलिए कैलकुलेट करके बताइए वो कितना का होगा। तो ये हो गया 5 ओम, इधर से जो करंट आ रहा है इसमें कितना का है, 1 एम्पियर, और इन दोनों के बदले जो एक बनेगा वो कितना का होगा, 1/10 प्लस 1/15 होगा ना जी। तो कितना का आएगा, क्या कैलकुलेट हो रहा है आप लोग देख लीजिए, 1/6, और उसको पलट करके 6 ओम। अब तो इतना करो यार, चार चार वीडियो दे दिए, अब मत बोलना कि इसे भी सॉल्व कीजिए, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। उसके बाद बच्चे फिर ये दोनों किस कनेक्शन में हैं, तो ये दोनों कनेक्शन सीरीज है, इससे बनेगा कोई एक, यानी लास्ट स्टेप पर जा करके मेरा जो एक बादशाह आएगा वो बादशाह कौन होगा बच्चे, तो 5 प्लस 6 मतलब कि
11 ओम। और याद रखना, जब ये दोनों सीरीज में ऐसे जुटेगा तो बी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए पॉइंट और यहाँ बचेगा सी पॉइंट, और करंट कितना जा रहा था, 1 एम्पियर। तो बच्चे लोग पहला का आंसर कितना आ गया, 11 ओम का हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा। ये काम अब तुम खुद से करो, दिस एंड दिस आर इन पैरेलल, उसके साथ ये दोनों सीरीज। अब हम आते हैं बी नंबर से, जो कि बहुत सीखने लायक चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी, इसके कॉन्सेप्ट मैंने एक ही दिए, जहाँ का बोलेगा वहाँ उंगली रख दो बस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी देखो, ए बी देखो, यहाँ है यहाँ, रख दो उंगली। तेरे को खुद को नहीं मालूम चलेगा, समझा ना? डबू, अबे मेरे से बात करना। ए लक्ष्मण, बोलना है इसको उंगली हटाने के लिए। ये ले ना उंगली, ये ले। उंगली। तुम बोलेगा यहाँ है तो वहाँ भी रख दो यार, रख दो। तो चलिए, ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया उंगली। अब बताइए पहले आप लोग, हम लोगों को निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो अब बताइए बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आई इंटू आर, जितना करंट जा रहा और जितना रेजिस्टेंस है। तो बच्चे करंट ले लेंगे इंटू रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो बताओ बच्चे, इस ए बी में कितना करंट, एनएस देखो ना, करंट हेल रहा ना जी इधर से, तो करंट कितना का है, 1 एम्पियर, इनटू रेजिस्टेंस कितना का है, 5 ओम, कुल मिला करके 5 वोल्ट। आया मजा? और निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी, 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 ज़्यादा मत बोलना, गाना होने लगता है फिर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी, एसी कहाँ है जी, तो यहाँ से यहाँ, ए भैया यहाँ बड़ी बड़ी दिख रहे हो, तो एसी और देखो कहाँ है, यहाँ, यहाँ भी दो आदमी दिख रहा, और देखो एसी कहाँ है, यहाँ, मतलब हमको डायरेक्ट यहाँ पर आके सॉल्व करना चाहिए था। तो बच्चे लोग एसी निकालिए यहाँ से। वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ का निकालना वहाँ रख दो उंगली, फिर आई इंटू आर, देख रहे हो कितना ईजी से बता रहे, इसको कहते उंगली रखो कॉन्सेप्ट, जहाँ का निकालना वहाँ उंगली रख दो। तो करंट हो जाएगा 1, रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एस, तुम्हारा कितना का है 11, कुल मिला के 11 वोल्ट। चलो एक चीज़ और देते हैं तुमको, मान लो निकालना रहता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ध्यान देना, कोई बोल देता R2 निकाल लें या बोल देता R3 निकाल लें। बच्चे तुम ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना R2 का होगा उतना ही R3 का होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो अगर R2 का बोलता या R3 का बोलता, हम किसके किसके बीच निकालते बच्चे, BC के बीच निकालते, यानी यहाँ पर काम करते, ठीक है बच्चे। तो चलिए निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, R2 बोलता तब भी BC, R3 बोलता तब भी BC, या BC बोलता तब भी BC। तो कहाँ है BC बच्चे, यहाँ पर। तो बोलिए उंगली रख दीजिए वहाँ पर, आप लोग जाइए उंगली रखिए। फॉर्मूला क्या होता, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट आई रेजिस्टेंस RP। बोलो बच्चे BC में कितना करंट आ रहा, देख रहा इनने से कितना करंट हेल रहा था, 1 का, तो इसमें भी उतने गया, इसमें भी उतना ही आएगा, तो 1 हो जाएगा और RP की वैल्यू 6, यानी कुल मिलाकर के 6 वोल्ट होगा। तो बी पार्ट भी सॉल्व है बच्चे। अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही वाला है। अब बोला करंट थ्रू अदर 2 रेसिस्टर, मतलब इसमें कितना हेल रहा करंट, वो तो पता है हमको 1, लेकिन इन दोनों में कितना जा रहा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग एक एक करके, करंट थ्रू किससे निकाल लेते हैं, चलो R2 से निकालते हैं, जहाँ से निकालना वहाँ रख दो उंगली, रख दिए। अब बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला होता है V/R। तो बच्चे यहाँ का वोल्टेज उतना ही होगा जितना नीचे का होगा और जितना बी से सी का होगा, तो इसीलिए हम लोग वोल्टेज किसका लेंगे, बी से सी का लेंगे, है ना जी।
अरे पगला, जितना यहाँ का वोल्टेज वहाँ उतना ही यहाँ का वोल्टेज, और ये दोनों पैरेलल है, यानी बीसी का एक बार वोल्टेज मिल गया तो इसका भी वोल्टेज मिल गया, इसका भी वोल्टेज मिल गया। तो बोलो बीसी कितना निकला था, 6, और R2 कितना था, 10, यानी कि 0.6 एम्पियर। अब लास्ट है इस क्वेश्चन का, करंट थ्रू, क्या लिखेंगे, करंट थ्रू R3 से निकालो। तो बच्चे फिर रख दो उंगली 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 रख दिए। अब बताओ R3 का करंट कितना निकलेगा, फॉर्मूला वोल्टेज V/R। तो R3 में जितना भी वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज BC में होगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो VBC/R3। VBC कितना आया, 6, R3 कितना है, 15, मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.4 एम्पियर। काट कूट के देख लेना ना यार, कितना आ जाएगा, 0.4। ये पूरा क्वेश्चन तुम लोग दो बार देखो, क्योंकि अगर ये समझ गए बर्बाद कर दिए इस वीडियो का, हर चीज़ समझ गए, ठीक है। चलिए बच्चे, तो कुल मिलाकर के ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है, चलिए निकालें। पहले आप समझ लीजिए सर्किट को, ये दोनों सीरीज है बच्चे लोग, और इससे बनेगा कोई एक, ओके ना, इससे ये दोनों सीरीज से एक बनेगा, और वो उसके साथ ये दोनों पैरेलल। अगर हम बोलेंगे, मान लो वो क्वेश्चन दे दिए यहाँ कि चलो बच्चे इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो मत बोलना कि नहीं निकाल सकते हैं, मारियो खाएगा, समझा कि नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने बोलेंगे तो निकाल लेना, ये दोनों सीरीज कनेक्शन, इससे बनेगा कोई एक, उसके साथ ये हो जाएगा पैरेलल में, उससे बनेगा एक। मान लो मैंने तुमसे कहा टोटल करंट थ्रू सर्किट निकालो, तो सुनो, सर्किट से करंट तभी निकलेगा जब, याद रखना, टोटल रेजिस्टेंस निकल चुका है ना, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो यहाँ से अगर हमको निकालना टोटल करंट थ्रू सर्किट, तो बाबू लोग हमको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, टोटल रेजिस्टेंस, फिर करंट का फॉर्मूला क्या होता, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, वोल्टेज दे ले है, रेजिस्टेंस निकाल लेना। खैर, तो ये दोनों अब पुराना हो गया, अब लास्ट जो काम दे रहे हैं उसको करो और खेलो। तो नंबर वन में आइए, देखिए क्या बोला, करंट फॉलोइंग थ्रू आर्म ABACCD, मतलब AB से करंट निकालना, AC से करंट निकालना, CDE से करंट निकालना। Everyone is ready? चलिए बच्चे लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार होइए। सर्किट बोलो तो ब्रेक कर देंगे, वैसे नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे यार, परेशान मत करो। तो करंट फ्लोइंग थ्रू AB, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट फ्लोइंग थ्रू AB, तो बच्चे लोग AB पे रख दो उंगली 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 उंगली, देखो यहाँ रख दिए। अब बताओ करंट निकालने बोला है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, यानी कि R1। कोई बच्चे हो जो बताओगे A से B का वोल्टेज क्या होगा, सोचो। तो तुम देखो ये वाला जो है नीचे वाले के साथ कैसा में दिख रहा है, तुमको कैसा दिख रहा जी, पैरेलल, यानी जितना वोल्टेज AB का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ का होगा, पढ़े हो ना, पैरेलल में सेम होता है। तो जितना वोल्टेज ऊपर मत देखो, खाली AB देखो, जितना वोल्टेज AB का होगा उतना वोल्टेज यहाँ का होगा, यानी कि वोल्टेज हो जाएगा 1.5, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 ओम। भैया जी इसे आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, 15 से 1 बार में, 15 से 8 बार में, पॉइंट में ले हुआ ये, अपना काम करते रहिए। अगला निकालने बोला AC और CDE, पता है एगो गेम खेल दिया, एगो गेम खेला, कौन सी भैया, अरे बतबहियो, रुकिन हो, गेम ये खेला है कि तुमसे बोला AC का भी निकालो और CDE से भी, पता है तुमको, है देखो AC यहाँ है, CDE यहाँ है, देखो ध्यान से देखो, तो ये जो जा रहा है ये जो वायर है, ये पूरा वायर एक ही है, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक,
मतलब जितना करंट एसी में घुसेगा, बोले थे ना एक नली जब तक रहेगा करंट सेम रहेगा, मतलब जितना करंट एसी में घुसेगा उतना करंट सीडी में घुसेगा, उतना ही डीई में घुसेगा, उतना ही सीडीई में घुसेगा, उतना ही ईबी में घुसेगा। मतलब एसी का करंट और सीडीई का करंट सेम होगा बच्चे। तो कभी कभी गेम भी खेला जाता है, तो बोलिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, हम पूरा एसी निकाले चाहे सीडीई पूरा निकाले, बतिया बराबर है। तो अब हम तुमसे पूछते, देखो उंगली रख दिए, ध्यान से देखना, सी से ई के बीच का हम बोलेंगे वोल्टेज। तो तुम अच्छे से देखो, पूरा देखो, बीच में मत घुसो अभी, खाली सी से ई देखो, इसके नीचे करो ए बी, इसके नीचे करो ये। अब बताओ ये जो बैटरी लगा हुआ है, ये जो ए बी है और ये जो सी है, ये तीनों कैसा दिख रहा तुमको? पैरेलल। मतलब सी से ई तक का जो वोल्टेज उतना ही होगा जितना वोल्टेज ए से बी का है, जितना वोल्टेज हमारे बैटरी का है। यानी बच्चे वोल्टेज के घर में 1.5। और कोई बच्चे जहां तुम सीडी में घुसने लगे तो वोल्टेज अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज है, तो इस सीरीज में पता होगा वोल्टेज अलग अलग होता था। मतलब सी से डी का वोल्टेज अलग है, डी से ई का वोल्टेज अलग है, लेकिन इन दोनों का जब इक्विवेलेंट कोई एक बनेगा, याद करो, तो उसका वो कंप्लीट क्या हो जाएगा? डी तो गायब हो जाएगा ना, सीरीज कनेक्शन में जब ये ऐसे जुटेगा तो डी गायब हो जाएगा। तो सी से ई, ए से बी, पूरा क्या दिखेगा हमको? पैरेलल। आप पहले टोटल रेजिस्टेंस बनाओ ना, फिर देखना अपने आप आपको दिखेगा। बट मैं तो नहीं बनाऊंगा ना अभी यार, इतना सिखा दिया, मैं ही बनाऊं। और अब आर किसका लेंगे? तो चूंकि हम वोल्टेज कहाँ से कहाँ लिए, सी से ई, तो रेजिस्टेंस भी टोटल लो, यानी दोनों सीरीज कनेक्शन है, इससे बनेगा कोई एक, वो वाला रेजिस्टेंस लो। 6 + 4 = 10, यानी कितना आ गया? 0.15 एम्पियर। इसको पॉइंट में ले आना, मज़ा आया। और अब लास्ट में आइए, काम को ख़त्म कीजिए मेरे प्यारे बच्चे। नंबर 2 एंड लास्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी कहाँ आए हो? तो ए बी यहाँ है। सर मजाक करते हैं, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस उतने होगा जितना यहाँ का है, यानी कि क्योंकि ये पैरेलल है तो ए बी का हो जाएगा बच्चा लोग 1.5 वोल्ट। मजाक कर दिए सर, अच्छा बेटा आगे बनाओ तब न बुझाएगा। तो अगला है सी डी का निकालना है, तो चलो निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, ए हो कहाँ है सी डी? ए देखो, उंगली 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 रख दिया। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? आई इंटू आर, है ना। तो सी डी के बीच का निकालना, मतलब रख दो उंगली। अब बताओ बाबू इसमें कितना करेंट गया? तो ध्यान से देखो, तुम करंट निकाला है सी डी का, देखो तो 0.15 इंटू रेजिस्टेंस कितना है सिर्फ यहाँ का? उंगली उंगली उंगली, मतलब 6 × 15 = 90, यानी 0.9 वोल्ट में आंसर आएगा, ठीक बा। और अब लास्ट फुल फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी निकालो, ये भी एकदम सेम बनेगा, चलो निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी ई, हम नीचे नहीं कर रहे क्योंकि दिखाना है, रख दो उंगली 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 उंगली। अब बताओ बच्चे लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो बताइए यहाँ कितना करंट जाएगा? अरे जितना करंट एकरा में घुसेगा उतना करंट एकरा में घुसेगा जी। तो कितना घुसा था? 0.15 इंटू रेजिस्टेंसवा कितना है इसका? तो 4 × 15 = 60, यानी कुल मिला करके यहाँ कितना आ जाएगा? 0.6 वोल्ट। इज डैट क्लियर माय स्टूडेंट? तो ये चौथा न्यूमेरिकल का वीडियो हुआ, अब हम लोग लास्ट वीडियो करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना होगा। संडे को मस्त नहा धो के आ।